नगर परिषद जौरा में सीएमओ संतोष तिहारी के हाथ में कमान आ गई है। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार जिला कलेक्टर ने सीएमओ को प्रभार संभालने का आदेश जारी किया। उसी आदेश का पालन करते हुए नगर परिषद जौरा अध्यक्ष उषा सुनील सिंघल ने दतिया से आए हुए सीएमओ को प्रभार सौंप दिया। आपको बता दें, कागजी कार्यवाही से लेकर कर्मचारियों के वेतन तक की फाइलों पर सिहारे के हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। इसी बीच बैंक में सीएमओ सिहारे के हस्ताक्षर मान्य कर लिए हैं। इसी बीच पूर्व सीएमओ जगनेरिया का चेंबर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं चल रहा है कि इस चेंबर से जगनेरिया जी को क्या लालच है। अध्यक्ष उषा सुनील सिंगर का कहना है कि सीएमओ अपनी मनमानी से कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे और ना ही वह हाईकोर्ट का आदेश मान रहे हैं, सिर्फ वह अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो इसी बीच हमारे ब्यूरो शिवम त्यागी द्वारा सीएमओ जगनेरिया से बातचीत की, तो सीएमओ जगनेरिया का कहना है कि नहीं, अभी कोई कोर्ट से स्पष्टीकरण किया गया है और ना ही शासन द्वारा स्पष्टीकरण है, तो इस बीच में कुर्सी पर बैठा हूं। अब देखना दिलचस्प हो गया है कि जिला कलेक्टर ने सिहारे को प्रभार सौंपने का पत्र भेजा था, पर जगनेरिया जी चेंबर छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद शासन व जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। त्योहार के चलते क्या सैलरी निकल रही है कर्मचारियों की? सैलरी हमारे द्वारा 31 तारीख को ही बना करके अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत कर दी गई है। अब अध्यक्ष महोदय से निर्णय नहीं हो पाया, ऐसी स्थिति में सैलरी अभी तक नहीं डली है जहां तक मेरी जानकारी। तो आपका जानकारी ये है कि सैलरी कौन डालेगा इस बारे में? इस बार सैलरी डालने का काम नगरपालिका का रहता है, और कौन डालेगा? नगरपालिका का सीएमओ दो होने के कारण अब सीएमओ ये जिम्मेदारी आती है कि कौन सा सीएमओ सैलरी के वो करेगा। जो भी होगा निर्णय आगे उसके हिसाब से काम किया जाएगा। अभी हाईकोर्ट का कोई स्पष्टीकरण आदेश और ना कि शासन का कोई स्पष्टीकरण आदेश होते हुए भी आप इस चैम्बर में बैठे हुए? हाईकोर्ट ने अपना आदेश कर दिया है और अभ्यावेदन संबंधित द्वारा अभ्यावेदन शासन को पेश कर दिया गया है। शासन निर्णय करेगा, उसके अनुसार कार्रवाई। तो जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस चैम्बर में बैठे हुए और सीएमओ का भार वो भी संभाल रहे हैं, तो किस? मैं शासन आदेश से यहाँ पर हूँ। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे को हटाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय न्यायालय की गलत व्याख्या करते हुए उसको 31 तारीख को ज्वाइन कर दिया गया है, जबकि मेरे द्वारा उसको 22 तारीख को मूल पद पर दतिया के लिए भारमुक्त कर दिया गया है। शासन ने उसको प्रभारी नहीं बनाया है, इस कारण जो भी कार्रवाई की गई है वो अवैध है। शासन निर्णय करेगा इसमें, वो पालन उसका पालन होगा। जो 22 तारीख को आपने उसे भारमुक्त किया था, तब आप किस पोस्ट पर थे? मैं सीएमओ था, मुझे सीएमओ को अधिकार आरएसआई को भारमुक्त करने के अधिकार सीएमओ को शासन द्वारा निहित है। पर उनका मानना है कि उन्होंने 22 तारीख को ग्रहण किया था ये कार्यालय, 22 तारीख को भार संभाल लिया था उन्होंने आपसे भारमुक्त करने से पहले, उसने ज्वाइन किया था, लेकिन शासन के आदेश आने के बाद वो आरएसआई हो गए थे, आरएसआई पद पर के लिए हमने दतिया के लिए भारमुक्त कर दिया था। क्या आपके अध्यक्षता में इतना पावर नहीं है जिसको हाईकोर्ट का आदेश के बाद जिसको जो चैम्बर मिलना चाहिए था वो अभी चैम्बर से दूर है, और जिसको चैम्बर से दूर किया है वो अभी अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है सीएमओ की? देखिए, हम माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चारे जी को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जगनेरिया जी ने नहीं माना, उन्होंने मना कर दी, मैं हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगा। फिर हमने माननीय कलेक्टर मैडम के यहाँ गए, उन्होंने एक अभ्यासक की राय के अनुसार उन्होंने आदेश लेटर भेजा था। फिर हमने जो सिहारे जी दतिया से आए हैं उनको हमने ज्वाइन कर लिया है, और हम तो शासन का आदेश कर रहे हैं। आज जो सिहारे जी हैं, कर्मचारियों का वेतन भी आज डल जाएगा, पर जो जगनेरिया जी हैं वो जिद पर अड़े हुए हैं, कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाईकोर्ट का क्या आदेश आया हुआ है? 12388 से एक हफ्ता में मुझको जौरा में नगर पालिका में उपस्थिति देना थी, 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन करना था, तो उसके पालन में शासन को अवगत करा दिया गया। 18 तारीख को हमने नगर परिषद जौरा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा जी। तो कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश के बाद आप अभी भी अपने चैम्बर से दूर हो, क्या कारण है? इसके पहले जो सीएमओ है राम प्रकाश जी जगदीश अपनी हड़ताल बताते हैं और अनावश्यक रूप से सीट पर बैठे हुए हैं।